नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम जुबानी वार पलटवार में। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, मैं देख रहा हूं कि मतदाता कभी अच्छे कामों को भूलते नहीं है, अच्छे इरादों को भूलते नहीं है और कभी भी नेक नियत वालों के साथ छोड़ते नहीं है। इस चुनाव को भाजपा से ज्यादा जनता जनार्दन लड़ रही है। ये लोग उत्तराखंडियत की बात करने वाले लोग बातें कुछ भी करें, वो तो उत्तराखंड को खंड खंड करने वाले, उत्तराखंड को टुकड़े टुकड़ों में देखने वाले लोग हैं। अब तो देवभूमि में यूनिवर्सिटी के नाम पर भी, यूनिवर्सिटी के नाम पर शिक्षा जैसे पवित्र काम में तुष्टिकरण का जहर घोलने की बातें सुनाई दे रही है। हमें इस विभाजनकारी सोच से देवभूमि की पवित्रता को नष्ट नहीं होने देना है। मैं इन्हें बताना चाहता हूं, उत्तराखंड आस्था की धरती है, ये आडंबर को स्वीकार नहीं करती है। ये उत्तराखंड ये तपस्या की भूमि है, यहां झूठ और पाखंड फलीभूत नहीं होते हैं। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, इन्हें उत्तराखंड की विकास यात्रा में बाधा नहीं बनने देना है। हमें उत्तराखंड के सम्मान की भी रक्षा करनी है, उत्तराखंड के विकास को भी बचाना है। भाइयों बहनों, इस साल केंद्र सरकार ने 80 लाख नए पक्के घर बनाने का लक्ष्य भी तय किया है। उत्तराखंड में जिन गरीबों को पक्के घर मिलने रह गए हैं, हमारा काम चल रहा है, हजारों परिवारों को पक्के घर मिले हैं, लेकिन हमें अभी भी काम हमने बंद नहीं किया है। खोज खोज करके जिसको भी अभी पक्का घर नहीं मिला है, मुझे उसको भी पक्का घर देना है। और मैंने जो सपना है उस पूरा करने में मुझे धामी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के मदद कर रही है। गरीबों को पक्का घर देने के लिए उत्तराखंड की भाजपा की सरकार पूरी तरह मेरी इस योजना को सफल करने के लिए काम में लगी है। इसलिए मैं धामी सरकार का अभिनंदन करता हूं और मुझे खुशी है कि मैं उत्तराखंड के गरीबों को इस ठंड में गुजारा करने वाले मेरे गरीबों को पक्का घर देने का और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का मेरे नसीब हुआ है। साथियों, विकास तभी होता है जब बिना भेदभाव के काम किया जाए। इसलिए आज हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस संकल्प को लेकर के काम कर रही है। लेकिन हमारा विरोध करने वाले, उनका फॉर्मूला क्या है, हमारे विरोधियों का इतिहास क्या है, हमारे विरोधियों के करतूत क्या है, हमारे विरोधियों के कारनामे क्या है, हमारे विरोधियों की भाषा क्या है, आपको बराबर याद है। और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे विरोधियों की फॉर्मूला इतनी है, सब में डालो फूट, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट, सब में डालो, मिलकर करो, सब में डालो, मिलकर करो। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की नीति रही है, सब में डालो, मिलकर करो। ये देश में जात पात, मत मजहब, भाषा राज्य के नाम पर फूट डालते हैं और राज्यों में जाकर के
इलाकों में, क्षेत्रों में फूट डालते हैं। पहाड़ी है, तराई है, इस इलाके के हैं, उस इलाके हैं, उत्तराखंड से ज्यादा इस साजिश का शिकार और कौन हुआ होगा। साथियों, ये लोग न उत्तराखंड की संस्कृति को जानते हैं, न यहां के पहाड़ों को। चुनाव में ये उत्तराखंडियत जो है ना, हमारी स्पिरिट ऑफ उत्तराखंड, इसकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी क्या कह रही है, मैं हैरान हूं। ये लोग सोचते हैं उत्तराखंड की वीर माताएं, यहां के वीर बेटे बेटियां, इनकी भाषा से मेरे मन में सवाल आता है। मुझे उत्तराखंड के लोग जरा जोरों से बताइए, क्या आप डरते हैं क्या? नहीं। आप कभी डरते हैं क्या? नहीं। आप किसी से भी डरते हैं क्या? नहीं। किसी भी संकट से डरते हैं क्या? नहीं। आपके बेटे जो सीमा पर देश की रक्षा करते हैं, वो दुश्मन की गोली से भी डरते हैं क्या? नहीं। अब देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं आपको आकर के सलाह दे रहे, डरो मत, डरो मत। अरे डरना शब्द भी सुना है क्या कभी आपने? अरे डराने वालों को डराने की ताकत मेरे उत्तर प्रदेश के दो दो साल के बच्चों में रहती है। क्या बात करते हो, तो इन्हें इतना भी नहीं पता डरना उत्तराखंड के खून में ही नहीं है। यही है उत्तराखंड, और यही है उत्तराखंडियत को लेकर हमारी समाज और उनकी समझ है। आकर के समझा रहे हैं आपको डरो, अरे उत्तराखंडी की कभी डरता नहीं है जी, अरे मुसीबतों में भी डरता नहीं है। जिस उत्तराखंड के हर घर से सेना के वीर जवान निकलते हैं, जिस उत्तराखंड की संतानें दुश्मन की गोली, गोलों और तोपों के सामने नहीं डरते, उनके नाम के आगे ये लोग डर जोड़ रहे हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके पहले सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इसी क्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बरेली की जनसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश के राज में कभी यूपी के गरीबों का भला नहीं हुआ। अखिलेश ने कोरोना वैक्सीन का विरोध किया और खुद चुपके से वैक्सीन लगवा लिया। जब मैं 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रचार के लिए जाता था, तब चारों ओर से 14 हो या 17, हमें एक ही बात मिलती थी कि भाई साहब, बाकी तो जो करना है वो करना, मगर एक गुंडा राज को समाप्त कर दो। कहते थे या नहीं कहते थे भाई, जरा जोर से बोलो, कहते थे या नहीं कहते थे? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड से चून चून कर माफियाओं को समाप्त करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मित्रों, योगी आदित्यनाथ जी, ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन सपा बसपा बसपा सपा नहीं ला सकते, क्योंकि ये जातिवादी पार्टियों की मजबूरी है कि उनको माफियाओं को संरक्षण देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कोई जातिवादी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के नारे पर चलती। अब ये बताओ, अखिलेश बाबू निकले हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो, मिलना बिलना कुछ नहीं है, मगर गलती से भी समाजवादी सरकार की बनी तो तीनों जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो माफियाओं को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर रखती है, और कोई नहीं कर सकता। मैं पूछना चाहता हूं, नाम तो समाजवादी पार्टी रखा है, अखिलेश बाबू आपके शासन में गरीबों को ये फायदा क्यों नहीं मिला था? जब मैं 2017 में
उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के बाद अब सभी राजनीतिक दलों ने बाकी के चरण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी सियासी दिग्गज ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इसी कड़ी में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कई जनसभाएं करके जनता से भाजपा के पक्ष में मत देने की अपील की है। आज कोई प्रदेश में दंगा करने का दुस्साहस कर पा रहा है क्या? क्योंकि दंगा एको मालूम है, दंगा करेंगे तो सात पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, भाई नहीं कर पाएगी और उल्टा उल्टा उसके फोटो के बैनर लग जाएंगे जगह जगह चौराहे पर। किस यह दंगाई है, इससे सावधान रहिए। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे कि यह भाजपा का वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है, अब समय आ गया है जब इस भाजपा की वैक्सीन ने, मोदी वैक्सीन ने कोरोना से हमें बचाया है। तो विरोधियों को जवाब दीजिए जो इस वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, उनको जवाब दीजिए कि जब मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन बचाएगी तो वोट भी उन्हीं को देंगे। भारतीय जनता पार्टी का विकास तो आपको हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर महिला के साथ मिलने वाली योजनाओं के साथ देख सकते हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के विकास की बात करते हैं, मैंने पूछा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, वे पूर्व मुख्यमंत्री है, मैंने उनसे पूछा कहीं विकास कराए हो, किसको विकास कहते हैं? उन्होंने कहा नहीं विकास। मैंने कहां विकास कराया? उन्होंने कहा कि आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया, आपने सड़क बना दिया, आपने बिजली दे दी। मैंने कहा ये तो हमने किया क्योंकि हमारी जवाबदेही थी, लेकिन तुमने क्या विकास कराया है? उन्होंने कहा विकास हमने भी कराया है। मैंने कहा कौन सा विकास कराया है? उन्होंने कहा हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री कैसे बनाई थी। इन्होंने वंशवाद को बढ़ावा दिया। अगर हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये लोग जातिवाद की बात करते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं तो ये मत और मजहब की बात करते हैं। मैं समग्र विकास की बात करता हूं तो ये लोग कब्रिस्तान की बात करने लगते हैं। मैं गन्ना की बात करता हूं तो ये लोग जिन्ना की बात करने लगते हैं। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया जाता था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों पर ये लोग कितनी रहम करते थे, इनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी, उनके मुकदमों को ये लोग वापस लेते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब आई, पहला काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किसानों के कर्ज माफी के लिए किया था और आपके शाहजहांपुर में 68,000 से अधिक किसानों का ऋण माफ हुआ था, कर्ज माफ हुआ था 68,000 से अधिक किसानों का। आज बदायूं मैं नए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हो करके विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ मेडिकल कॉलेज में यहां के युवाओं को डॉक्टर बनने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। तो गंगा एक्सप्रेसवे भी मेरठ से प्रयागराज के बीच सबसे अधिक कृपा मां गंगा अपने एक्सप्रेसवे के माध्यम से कहीं बरसा रही है, तो उस कृपा का सबसे बड़ा क्षेत्र है तो बदायूं जनपद है। सबसे ज्यादा गंगा एक्सप्रेसवे इस जनपद से होकर के जा रही है, सबसे ज्यादा लाभ यहां के किसानों को प्राप्त हो रहा है। और भाइयों बहनों, इस लाभ के साथ साथ यहां पर जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा तो यहां के लाखों नौजवानों के लिए यहीं पर नौकरी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा की चुनावी सरगर्मियां तेज है। पहले चरण के मतदान के बाद पार्टियों ने एक दूसरे चरण के प्रचार की पूरी ताकत झोंक दी है। रैलियों का शोर दूसरे चरण की ओर तेज हो रहा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने रामपुर के विलासपुर में जनसभा को संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है, बीजेपी का झूठा नेता है तो झूठा झूठ बोलता है, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोलता है और सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। बताओ पहले चरण में ही सफाया हो गया इनका कि नहीं हो गया? वहां के किसानों ने, नौजवानों ने, व्यापारियों ने मिलकर के इनकी खाट खड़ी कर दी है और दूसरे चरण में रामपुर वाले इनका सफाया करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कान पकड़ करके इनके प्रत्याशी 700 उठक बैठक भी लगाएंगे माफी मांगने के लिए, लेकिन यहाँ का किसान और नौजवान माफ करने वाला नहीं है। बताओ इन्हें माफ करोगे आप? ये झांसा देने वाले लोग हैं, ये झगड़ा बनाने लगाने वाले लोग हैं। इन्हें भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल लेना चाहिए। अब ये भाजपा नहीं कहना चाहिए, इन्हें भारतीय झूठी पार्टी कहना चाहिए हमें और आपको। और ये अभी से नहीं झूठ बोल रहे हैं, जाने कब से बोल रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने पकड़ लिया, हम किसानों को बधाई देंगे कि इन्होंने झुकाने का काम सरकार को किया, इनको पकड़ने का काम किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी में सपने दिखाए थे। ये नोटबंदी में कह रहे थे कि नोट बंद हो जाएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। ये डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा डबल हुई है तो भ्रष्टाचार डबल हुआ है। ये चुनाव बेईमानी से लड़ रहे हैं। आप लोगों ने तो इन्हें पंचायत में ही हरा दिया था, लेकिन बेईमानी की इन्होंने। अगर ये बेईमानी नहीं करते तो उत्तर प्रदेश के परिणाम कुछ और होते। इन्होंने प्रशासन से, पुलिस से, सब प्रशासन लगा दिया, पुलिस लगा दी। उस समय इन्होंने चुनाव पंचायत के जीते। ये पुलिस और प्रशासन नहीं लगाते तो उसी समय जनता इनके खिलाफ खड़ी हुई थी, जनता के साथ। और जनता इसलिए नाराज है, सरकार बनी इन्होंने हवाई जहाज बेच दिए, और जहां हवाई जहाज खड़े होते हैं वो हवाई अड्डे बिक गए, पानी का जहाज बेच दिया, और जहां पानी के जहाज खड़े होते हैं बंदरगाह, वो बंदरगाह बेच दिए, ट्रेनें बिकने जा रही हैं। और आप जानकारी कर लेना, रेलवे स्टेशन के आसपास की जमीन सब बेचना शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। ये बेचू सरकार है। और बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया था, सम्मान दिया था, उन अधिकारों के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। पता नहीं लोकसभा जो नई बना रहे हैं वो कैसी लोकसभा होगी, हम और आप लोग बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। ये नए तरह की लोकसभा है, ये लोकसभा जो बना रहे हैं पता नहीं क्या कर देंगे। इसीलिए मैंने कहा ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये पहला चुनाव ऐसा है कि मोहम्मद आजम खान साहब हमारे बीच में नहीं है, और सोचिए उन पे कैसे मुकदमे लगे हैं, कितने झूठे मुकदमे लगे हैं उन पे। मुकदमे लग गए बकरी चोरी का, मुकदमा लगा है भैंस चोरी का, किताब चोरी का, और जितने मुकदमे सब झूठे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, झूठे मुकदमों की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। ये सही है कि परेशानी में कई साल से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। अब्दुल्ला को भी बहुत परेशानी उठानी पड़ी इस उम्र में। इस उम्र में शायद ही कोई ऐसा हुआ हो कि झूठे मुकदमे में इतने दिन रहा हो। ये बीजेपी के लोग हैं जो उन्हें झूठा।
उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है और अब दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। इसको लेकर सभी दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की वर्चुअल महाप्रतिज्ञा रैली की, जहां उन्होंने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ना समाजवादी के नेता आपको बताते हैं, ना बहुजन समाज पार्टी के, जो भी आपके सामने आता है वो यही आपके जज्बातों को उठाने की कोशिश करता है। ये कोशिश में रहते हैं कि चलो इनके जज्बात हो जाएंगे तो ऐसे उभर जाएंगे, इसी आधार पर हम वोट मांग लेंगे, हम वोट ले लेंगे। इससे क्या होता है, नेता जवाबदेह नहीं बनता। नेता जानता है कि आपके सामने आएगा, चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें होंगी, आपको बताया जाएगा कि रोजगार मिलेगा, किसान की आय दुगनी हो जाएगी, हर चीज कह जाएंगे, लेकिन जब वापस आएंगे तो वोट वैसे भी उस आधार पर नहीं मांग रहे हैं। ये बात देखी मैंने आज। दूसरा न्यूज मैंने ये पढ़ा कि प्रधानमंत्री जी के जो दो सबसे बड़े उद्योगपति मित्र हैं, दोनों पहले और दूसरे जगह पे आ गए हैं एशिया के सबसे बड़े सबसे अमीर उद्योगपतियों में से। वो अमीर से अमीर बने जा रहे हैं, उनको पूरे देश के बंदरगाह सौंपे जा रहे हैं, देश के हवाई अड्डे सौंपे जा रहे हैं, देश की जितनी भी संपत्ति है सौंपी जा रही है। रेलवे को बेचने की योजना बन रही है, BHL की बेचने की योजना बन रही है, तमाम ऐसी संस्थाएं जो पहले से बिक चुकी हैं, और ये सब उन दोनों के लिए किया जा रहा है, ना समाजवादी। उत्तर प्रदेश चुनाव दूसरे चरण के लिए सभी पार्टियों ने नेता लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज वाराणसी में BJP उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। प्रचार के दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस को निशाना बनाया। अनुराग ने कहा, कांग्रेसी बिकनी हिजाब SSC राफेल की बात करते हैं, लेकिन जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वो कभी भी गरीबों के कल्याण की बात नहीं करते। अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव खुद अपनी ही सीट हार जाएंगे। उन्होंने सपा पर तुष्टिकरण का आरोप भी लगाया। जनता कभी इनको स्वीकार नहीं करती है, न आगे करेगी, क्योंकि ये गरीब कल्याण की बात नहीं करते, ये तुष्टिकरण की राजनीति करके वोट बटोरना जानते हैं। लेकिन मोदी जी, योगी जी ने गरीब कल्याण का काम करके पक्के मकान देके, बिजली का कनेक्शन देके, मुफ्त में राशन देके, मुफ्त में वैक्सीन लगाकर, इलाज देकर, विकास करके, सड़कों से लेकर रेलवे हाईवे बनाकर जनता और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपदा के समय भी जनता के साथी के रूप में खड़े हो। देखिए, चाहे किसी स्टार पुत्र की जमानत हो या किसी आम गरीब आदमी की या किसी नेता के पुत्र की, आखिरकार उस केस को देखकर कोर्ट निर्णय लेती है, तथ्यों को देखकर। और कोर्ट ने जो निर्णय किया है वो न्यायपालिका का निर्णय है, न्याय करने का काम करती है, और हमें पूर्ण विश्वास है, हमें तो विश्वास है न्यायपालिका पर, शायद विपक्षी दलों को नहीं। लेकिन जनता कभी इनको स्वीकार नहीं करती। कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरे देश में फैल गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आम जनता से लेकर कई बड़े नेता इस विवाद पर अपनी राय साझा करते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP को घेरते हुए कहा कि इस पार्टी के सदस्य ही विवाद के जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अभी के लिए कर्नाटक में कुछ भी हो रहा है, इसके लिए सरकार विशेष रूप से BJP सदस्य जिम्मेदार है। इसका कारण बताते हुए मल्लिकार्जुन ने कहा कि क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं और वो लाभ चाहते हैं। देखिए, इवन चेन्नई हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि इस देश को धर्म के नाम पे न बांटूं, और इस देश को एकता रखने की जरूरत है, सबको लेके जाने की जरूरत है। और हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है कि ड्रेस कोड के बारे में, अभी वो तो इंटीरियम है, फिर वो जो आएगा देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल इसको जो ऐसे चीज हर स्टेट में होने के लिए सरकार जिम्मेदार है, और खासकर BJP के लोग इसको उचका रहे हैं, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, वहां पर उनको फायदा। हमारे खास कार्यक्रम जुबानी वार पलटवार में इतना ही। देखते रहिए प्राइम TV।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।